चलिए, तो आज हम लोग भारत में जितने भी प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखिए, तो प्रश्न ऐसे बनेगा, कोई भी एक दर्रा का नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन से राज्य में है। ठीक है, या तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा या फिर ऐसा प्रश्न बन सकता है जैसे कि आपका सिपकिला, ये दर्रा दे दिया मानकर चलो सिपकिला, और पूछेगा कि ये कौन कौन से दो जगहों को ये जोड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो जैसे कि सिपकिला है वो शिमला से तिब्बत को कनेक्ट करता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर बुर्जिल दर्रा देखें तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है यहाँ पे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसका प्रश्न बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो लद्दाख में देखेंगे तो यहाँ पे एक काराकोरम दर्रा है। ठीक है, हम लोग काराकोरम श्रेणी पढ़े हैं यहाँ पे, इस प्रकार से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सभी श्रेणी पढ़े हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, ये काराकोरम दर्रा यहाँ पे, इसके बाद ये क्या है, खारदुंगला। ठीक है, काराकोरम और खारदुंगला ये दोनों कहाँ हैं, लद्दाख में हैं। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, खारदुंगला और काराकोरम। चलिए इसके बाद देखिएगा जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे बुर्जिल दर्रा। ठीक है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ से इधर श्रीनगर है, इधर गिलगित है, तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने का काम कौन करता है, ये बुर्जिल दर्रा काम करता है, याद रखिएगा यहाँ पे, इस प्रकार से है। और यहाँ पे क्या है, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा आपका जास्कर श्रेणी में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जोजिला दर्रा किस श्रेणी में है। ठीक है, हम लोगों ने जितने भी श्रेणी पढ़ा है उसमें कुछ कुछ दर्रे ऐसे हैं जो कि जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जोजिला दर्रा को याद रखिएगा, जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक, इधर श्रीनगर, इधर लेह, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम कौन करता है, ये जोजिला दर्रा करता है। चलिए इसके बाद देखिए पीर पंजाल। ठीक है, तो पीर पंजाल जो दर्रा है ये पीर पंजाल श्रेणी में है, सिंपली इसका नाम से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद ये बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा भी पीर पंजाल में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा और ये पीर पंजाल दोनों पीर पंजाल में है। बनिहाल दर्रा कहाँ से, किसको किसको जोड़ता है, तो जम्मू को कश्मीर से। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट ही है, इधर जम्मू और इधर कश्मीर, तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का काम कौन करता है, ये बनिहाल दर्रा काम करता है। चलिए तो इसको याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान देंगे जवाहर सुरंग, मैंने बताया था आपको जवाहर सुरंग के बारे में बताया था। देखो, दो टनल के बारे में मैंने बताया था, एक जवाहर टनल और एक अटल टनल। ठीक है, अटल टनल जो है वह रोहतांग दर्रा हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये अटल टनल लिखा है, तो अटल टनल मतलब अटल सुरंग और ये जवाहर सुरंग, ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है, इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में समझा दिया था कि क्या है, कैसा है, अटल टनल कहाँ पे है, मतलब जो हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि कहाँ पे अटल टनल है और कहाँ पे जवाहर सुरंग है। ठीक है, आपको इमेज में बताया था। तो चलिए ये क्या हुआ, बनिहाल दर्रा, तो ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। ठीक है, इधर जम्मू, इधर इधर श्रीनगर, तो जम्मू को श्रीनगर से इस प्रकार से ये कनेक्ट करता है। ये मतलब जवाहर जो ये बनिहाल दर्रा है इसी में क्या है, जवाहर सुरंग स्थित है, याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा में ही क्या है, जवाहर सुरंग है, और ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो इतना फैक्ट हम लोग देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों को हम लोग देख लिए, अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा बाड़ा लाचा। ठीक है, देखो इधर तिब्बत में, मतलब किधर, तिब्बत ये वाले भाग में जितना भी दर्रा है उसको ला बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे सिपकीला, तो हम इसको सिपकी दर्रा बोलेंगे, लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे, सिपकी ला बोलेंगे, मतलब दर्रा को लोग ला बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इधर मंडी है, इधर क्या है, लेह, लद्दाख का, लद्दाख वाला एरिया, तो मंडी को लेह से जोड़ने का काम कौन करता है, ये बाड़ा लाचा दर्रा करता है, ये रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा को मैंने बता दिया था पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, देखो ये पीर पंजाल श्रेणी में हम लोग देखे थे इसको, और यहाँ पे ये भी पीर पंजाल में है, कौन, बनिहाल दर्रा, और ये पीर पंजाल में, तो ये हम लोग पीर पंजाल को देखे ही थे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रोहतांग दर्रा किस में है, पीर पंजाल में स्थित है, बनिहाल दर्रा भी किस में है, ये भी पीर पंजाल में है। ठीक है, बनिहाल और रोहतांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक
ठीक, इसमें जवाहर सुरंग है, इसमें क्या है अल्टर टनल है, और ये क्या है पीर पंजाल है, ये पीर सॉरी ये तो पीर पंजाल दोनों में है ठीक है। ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर और ये मनाली से लेह, मनाली से लेह को जोड़ता है। चलिए तो ये हुआ रोहतांग दर्रा ठीक है। इधर से ये मनाली से लेह इस प्रकार से, इस तरह से मनाली से लेह, इधर लेह है और इधर मनाली है। चलिए जितने भी हिल स्टेशन है उसको भी देखेंगे, जैसे मनाली यहाँ पे आया हिल स्टेशन है वो भी, तो इन सब के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे सिपकिला, सिपकिला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है ठीक है, शिमला को तिब्बत से सिपकिला जोड़ता है। इसके बाद यहाँ पे माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख ठीक है, तीनों को याद रखिएगा, ये आपके उत्तराखंड में है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख तीनों तीनों किस में है, उत्तराखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिक्किम में, सिक्किम में ध्यान रखना है तीन दर्रे हैं, मतलब और भी दर्रे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट। अच्छा दर्रे, दर्रा का मतलब क्या होता है, देखो दर्रा मैं पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार और समझा दे रहा हूँ। ऐसे मानकर चलिए पर्वत श्रेणी है ठीक, इस तरह से। अब एक समय ऐसा था कि यहाँ से ये जो ये वाला एरिया है ठीक है, यहाँ पे यहाँ से कहा थे, एक समय ऐसा ऐसा रहा होगा कि ये यहाँ पे नदी, कोई एक नदी रही होगी ठीक, इस प्रकार से कोई नदी बहती होगी रही होगी। अब ये नदी क्या हो गई, सूख करके यहाँ पे क्या हो गया, ये जगह पूरा खाली हो चुका है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आने जाने का काम करते हैं ठीक, यहाँ से क्या किए हैं लोग, अब इसको रास्ता बना लिए हैं आने जाने के लिए इसको, ऐसे तो ये दर्रा बन जाता है ठीक। ऐसे पहाड़ों के बीच में मानकर चलिए पर्वत, ये पर्वत श्रेणी है इस प्रकार से, तो इसके बीच में अलग इस प्रकार से पतला पतला आपको रास्ता देखने को मिलेगा ठीक है, तो इसी को दर्रा बोलते हैं। एक समय ऐसा था कि इसमें नदियाँ प्रवाहित होती थी लेकिन अब वो सूख गई हैं, तो यहाँ से अब लोग आने जाने का काम करते हैं ठीक, इसको रास्ता बना लेते हैं, तो क्या बन जाता है, दर्रा बन जाता है। चलिए अब देखते हैं सिक्किम में, देखिए सिक्किम में ध्यान देंगे नाथुला सॉरी नाकुला और नाथुला और ये जलेपला ठीक है, तीन दर्रा हमको ध्यान देना है, जिसमें से आपको ये नाथुला और जलेपला इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है। नाथुला, नाकुला और जलेपला तीनों दर्रा को याद रखना है। जलेपला को याद रखिएगा, यहाँ इस दर्रे में तिस्ता नदी बहती है, जो जलेपला दर्रा है इसमें क्या तिस्ता नदी बहती है याद रखिएगा, और ये भूटान जाने का मार्ग है ठीक है, इस प्रकार से ये भूटान जाने का मार्ग है, ये भूटान है, तो सिक्किम से भूटान जाने का मार्ग कौन सा है, जलेपला याद रखिएगा। यहाँ पे बोमडिला दर्रा ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा यहाँ पे है, और यहाँ पे तुजू दर्रा ठीक है, मणिपुर में, मणिपुर में क्या है ये तुजू दर्रा है, तो याद रखिएगा। चलिए इम्पोर्टेंट है तुजू दर्रा भी, आपको पूछेगा कि बर्मा जाने का रास्ता कौन सा है ठीक है, बर्मा जाने का, बर्मा जाने के लिए कौन से पास का उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा तुजू दर्रा का उपयोग करते हैं ठीक है। इन सब से भी मतलब कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, किसी प्रकार से घुमा करके प्रश्न बना सकते हैं, तो आपको इसको लोकेशन को याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से राज्य में है और किसको किसको कनेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हल्दी घाटी ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो अरावली पर्वत देख, अरावली पर्वत श्रृंखला हम लोग पढ़े हैं उसी में स्थित है ठीक है, यहाँ पे हल्दी घाटी और यहाँ पे गोरन घाट, तो ये दोनों को याद रखिएगा, हल्दी घाटी और गोरन घाट को ठीक है, दोनों अरावली पर्वत श्रृंखला में है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चार दर्रे हैं नीचे में और चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। देखिए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो जो पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है इस प्रकार से सॉरी, ठीक जो पश्चिमी घाट है इस प्रकार से, यहाँ पे इस पश्चिमी घाट में ही ये सभी स्थित है ठीक है। कौन कौन सा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, तो ये जो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है ठीक है, मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम कौन करता है, थाल घाट करता है। भोर घाट क्या करता है, मुंबई को पुणे को, पुणे से जोड़ने का काम करता है ठीक है, पुणे से जोड़ने का काम किसको करता है, ये भोर घाट करता है ठीक है, मुंबई को पुणे से, तो ठीक है यहाँ पे मुंबई सबको पता होगा, तो मुंबई को नासिक से, और ये भोर घाट क्या करता है, मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान देना है पाल घाट, ये कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने का काम करता है ठीक है, याद रखिएगा कोच्चि को चेन्नई से, और जो सेनकोट्टा है वो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है ठीक है, तिरुवनंतपुरम को क्या करता है, मदुरई से जोड़ने का काम करता है ठीक है, तो ये इन सभी को याद रखिएगा ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, पाल
पालघाट सेनकुट्टा, तो ये किस राज्य में ऐसा पूछा सकता है। तो हालांकि फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो ये केरल और तमिलनाडु दोनों में आएगा ये, ठीक है यहाँ पे, लेकिन ये वाला सिर्फ आपका महाराष्ट्र में आएगा। चलिए तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। देखिए लद्दाख में काराकोरम और खारदुंगला, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, जो जिला दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जो जिला दर्रा जैसकर श्रेणी में स्थित है, और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है, श्रीनगर को यहाँ से यहाँ तक लेह से जोड़ता है, इस प्रकार से यहाँ पे है। पीर पंजाल को ध्यान देंगे, यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रा को ध्यान रखेगा, ये भी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी में ये भी स्थित है। इसमें जवाहर सुरंग मतलब स्थित है, ठीक है। बनिहाल दर्रा में क्या है, जवाहर सुरंग है, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। किसको किसको जोड़ता है, बनिहाल दर्रा किससे किसको जोड़ता है ऐसा पूछा जाता है, तो याद रखिए कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में देखेंगे बड़ा अच्छा दर्रा है, जो कि मंडी को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी में ये भी स्थित है, और ये अटल टनल इसमें इसी में स्थित है, ठीक है, अटल टनल इसी में स्थित है, मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद है सिपकीला, सिपकीला शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इसके बाद उत्तराखंड में है माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपु लेक। सिक्किम में है नाथुला नाकुला और जेलेपला। जेलेपला में याद रखेगा तिस्ता नदी बहती है, भूटान जाने का मार्ग है। बोमडिला याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश में है, और ये तुजू दर्रा मणिपुर में है। यहाँ पे राजस्थान में हल्दी घाटी और गोरान घाट दोनों को याद रखिएगा, दोनों के दोनों अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसके बाद यहाँ पे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा चारों को याद रखिएगा, मुंबई से नासिक, मुंबई से पुणे, कोच्चि से चेन्नई और तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी दर्रा है, बहुत ही ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो सबको याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है ये। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।